हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल में रेक्टेंगुलर टू पोलर फॉर्म में बदलेंगे। दोस्तों, इसमें रेक्टेंगुलर टू पोलर फॉर्म, पोलर टू रेक्टेंगुलर फॉर्म किस तरह बदलेंगे उसको मैथमेटिकली एंड कैलकुलेटर से दोनों देखेंगे। दोस्तों, एक्स प्लस आयोटा मेरा रेक्टेंगुलर फॉर्म है। यदि इसको पोलर फॉर्म में बदलना है तो मैथमेटिकली आर स्क्वायर टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स करते हैं, जिससे हमारी वैल्यू आती है पोलर फॉर्म में। दोस्तों, यदि हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में करेंगे तो कैसे करेंगे? दोस्तों, साइंटिफिक कैलकुलेटर में करने के लिए सबसे पहले हम इस कैलकुलेटर में ऐसा वैल्यू पुट करेंगे, पी ओ एल पोल फिर ब्रैकेट एक्स कोमा वाई। ठीक है दोस्तों, जिसको करने के लिए कैलकुलेटर में कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले इसको ऑन करते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद शिफ्ट क्लिक करके शिफ्ट क्लिक करते हैं, उसके बाद दोस्तों प्लस प्लस करते, ये हमारा पी ओ एल है, इसको प्लस कर दी दोस्तों। प्लस करने के बाद ये वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद दोस्तों देखेंगे, मुझे 3 + 4 आयोटा की वैल्यू निकालनी है पोलर फॉर्म में, तो दोस्तों ये आ गई 3 आ गई दोस्तों। उसके बाद शिफ्ट क्लिक करेंगे और उसके बाद कोमा आ जाएगी दोस्तों, फिर 4 इसको ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू है, इक्वल टू क्लिक कर देंगे दोस्तों, ये हमारी आ गई आर इक्वल टू 5 थीटा इक्वल टू 53.13। दोस्तों, हमारे यह रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गई, ये पोलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर टू पोलर फॉर्म में आ गई दोस्तों। दोस्तों, हमारी यह रेक्टेंगुलर फॉर्म में थी, ये पोलर फॉर्म में आ गई दोस्तों। अब यही चीज को मुझे दोस्तों, ये हमारे पोलर फॉर्म आ गई, अब यही चीज को रेक्टेंगुलर फॉर्म में बदलना है तो कैसे करेंगे? दोस्तों, पोलर टू रेक्टेंगुलर फॉर्म, यदि इसको करने के लिए एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा करना पड़ेगा बाय मैथमेटिकली। यदि इसको हम कैलकुलेटर पकड़ेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले पुट करेंगे रेक्टेंगुलर कोमा आर कोमा थीटा। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो ये था ऑन हो गया शिफ्ट दोस्तों, यहाँ पे माइनस रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, इसको क्लिक कर देंगे, ऐसा आ गया दोस्तों। जो पहले वैल्यू आई थी हमारी 5 आई थी दोस्तों, ये देख रहे हैं 5, और एंगल की वैल्यू, फिर इसके बाद कोमा देंगे दोस्तों, शिफ्ट कोमा 53.13, फिर दोस्तों कोमा आ गए दोस्तों, फिर उसके बाद इसको क्लिक कर देंगे दोस्तों, यह एक्स की वैल्यू 3 एंड वाई की वैल्यू दोस्तों 3.99 यानी कि 4 आ गई दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ हमारी वैल्यू 3 + 4 आयोटा थी दोस्तों, यह हमारी रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गई दोस्तों पोलर कन्वर्जन से। थैंक यू माय फ्रेंड, यदि आपको यदि वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगे तो आप प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दोस्तों। थैंक यू।